हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है जो ये क्वेश्चन है वो सेमेस्टर टू पॉलिटिकल साइंस IRC वालों के लिए, और अगर आप कोई दूसरा स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, या तो प्रजातंत्र आ सकता है या तो फिर लोकतंत्र दे सकता है, ठीक है। प्रजातंत्र लोकतंत्र दोनों एक ही होता है, दोनों का स्पेलिंग होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। दोनों एक ही होता है, चाहे आप प्रजातंत्र बोलो चाहे लोकतंत्र बोलो, ठीक है। इसकी परिभाषा देना है, प्रकार देना और विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि प्रजातंत्र या तो फिर लोकतंत्र की अर्थ परिभाषा और प्रकार के या तो फिर विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। या तो प्रजातंत्र देगा सिर्फ या तो लोकतंत्र देगा, दोनों नहीं देगा, ध्यान रखना, ठीक है। बट ये जो दोनों है ना वो एक ही है, ठीक है। अब हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाएंगे, बहुत आसान से मैंने लिखा, इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है। अगर आपको लोकतंत्र देता है तो आपको यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ लिखना है, अगर प्रजातंत्र देता है तो प्रजातंत्र का अर्थ लिखना है। दोनों का स्पेलिंग एक ही होता है, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कि जो प्रजातंत्र है वो एक अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मतलब कि प्रजातंत्र हिंदी में बोलते हैं और इसका इंग्लिश क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो प्रजातंत्र अंग्रेजी भाषा क्या होता है, डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी क्या होता है, हमारा ही प्रजातंत्र होता है, ठीक है। ये आगे देखो, आगे देखो, तो ठीक है। तो ये पता चल गया कि ये जो हमारा लोकतंत्र या तो फिर ये हमारा प्रजातंत्र वो डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना, ठीक है। डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, और डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द के दो शब्दों के योग से बना है। मतलब समझ जाओ, हिंदी में क्या चीज़, लोकतंत्र, उसका अंग्रेजी क्या, डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी कहाँ से आया, तो ये ग्रीक शब्द के दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, पहला क्या है डेमोस, दूसरा क्या है क्रिटेरिया, ठीक है। दूसरा, पहला क्या है डेमोस और दूसरा क्या है क्रिटेरिया, ठीक है, क्रिटिया, डेमोस क्रिटिया। अब इसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रिटिया का अर्थ होता है शक्ति, या तो फिर इसको शासन भी बोल सकते हैं, शक्ति या शासन बात एक ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो, हम आपको पूरा समझा देते हैं। प्रजातंत्र एक डेमोक्रेसी इंग्लिश से का हिंदी है, डेमोक्रेसी एक ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस और क्रिटिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रिटिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन, यानी जहाँ पे कौन शासन करती है, जनता। हमारे देश में किसका शक्ति है, सरकार का नहीं, जनता के पास शक्ति है, जनता का शासन है। हम लोग शासन कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रहा है, उनको हम लोग बनाए तब वो कर रही है। तो ऐसे ही जो सिस्टम होती है ना, ऐसा राजनीति को हम लोग लोकतंत्र या तो फिर हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, इस तरह शाब्दिक दृष्टि से प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन है, ठीक है। जिस देश में जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है और स्वयं शासन का संचालन करती है, उस देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था मानी जाती है। मतलब क्या कि देखो, जिस देश में जनता के शासन के में, जिस भी देश में जनता को अपने शासन में कार्यों में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है और शासन का संचालन यानी कि शासन चलाने का भी जनता के हाथों में होती है, तो उस प्रकार के देश को प्रजातंत्र कहते हैं। मतलब कौन सा देश एक लोकतंत्र या तो फिर प्रजातंत्र देश कहलाएगा, जहाँ पर जनता को शासन करने का अधिकार हो, जनता को ही देश चलाने की यानी कि शासन चलाने के अधिकार हो, ठीक है। तो उस प्रकार के देश को हम लोग लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। बस आपको समझ आना, अगर टाइम नहीं है तो आप लोग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसे शासन प्रणाली से है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है। जो शासन करने की शक्ति हो तो किसके पास होती है, हमारे जनता के पास होती है। ये पॉइंट में लिख करके देना आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना था प्रजातंत्र का अर्थ, ये सब आपको बताते जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन का गैपिंग छोड़ देना है, उसके बाद ये लिखते जाना है, उसके बाद ये पॉइंट में डालना है, ठीक है, कि लोकतंत्र का अभिप्राय ऐसा शासन प्रणाली से है जिसमें शासन की शक्ति किसके पास होता है, शासन चलाने का संपूर्ण शक्ति जनता के पास होती है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग राजनीतिज्ञों ने इसका लोकतंत्र का परिभाषा किस प्रकार दिया, ठीक है। तो प्रजातंत्र बोलो चाहे लोकतंत्र बोलो, बात एक ही पड़ता है, इसकी परिभाषाएँ। तो पहला देखते हैं अरस्तु के अनुसार, तो बहुतों का शासन प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। देखो, अरस्तु ने सीधा सीधी एक बात में बोला, बहुतों का शासन मतलब बहुत लोगों का शासन। अब बहुत लोग क्या आएगा, सरकार आएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री तो हमारा एक है, ठीक है। या तो मान लेते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, टोटल मिलाकर के कितना, जनता से अधिक नेताओं लोग तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है कि यानी बहुतों का शासन, बहुतों मतलब कौन आ गया, जनता। तो ये जनताओं का शासन ही क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। ये किसका कहना है,
अरस्तु का। ये सब एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बहुतों का शासन प्रजातंत्र कहलाता है, किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। दूसरा, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? तो इसने कहा कि प्रजातंत्र को जनता के लिए शासन कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ये भी एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछने जाने की संभावना है कि किसने कहा लोकतंत्र या तो फिर प्रजातंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है। तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा, ठीक है, कि जो लोकतंत्र है ना वो जनता का है और जनता के द्वारा ही चुना जाता है और जनता के लिए ही है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तीसरा, सिल्ले के अनुसार इसने क्या कहा? इसने कहा जो प्रजातंत्र है वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। मतलब प्रजातंत्र में एक व्यक्ति का भाग नहीं होता है, बल्कि प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों का भाग होता है, पूरे जनता का भाग होता है। उस राज्य में जितने भी सारे स्थित जनता होते हैं वो सभी के लिए होता है, ठीक है, किसने कहा? सिल्ले ने कहा। अब देखते हैं प्रजातंत्र या तो फिर लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या तो फिर लोकतंत्र, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट सरकार को चुनते हैं, डायरेक्ट हम लोग कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो अप्रत्यक्ष होता है ना वो डायरेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मान लो कि एक छोटा सा देश है। अब छोटा सा देश है ना तो वहाँ पे सभी लोग अपने अपने एक जाएंगे और एक वोट डालेंगे, फिर एक वोट डालेंगे, फिर एक वोट डालेंगे, और इस प्रकार से सरकार बनाएंगे। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या में लोग हैं, बहुत सारा जनसंख्या में लोग, वहाँ पे सरकार नहीं बनाया जा सकता लोगों के द्वारा, बनता लोगों के द्वारा ही है लेकिन अप्रत्यक्ष। मतलब उन लोग खुद जाकर के छूते नहीं है, वहाँ खुद जाकर के वोट नहीं देते। कैसे होता है सो देखो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहता है वहाँ पे अगर एक लोग, सभी लोग देश में जितने सारे करोड़ों अरबों लोग जो बसे रहते हैं जाएंगे वोट देंगे, कितना टाइम लगेगा, फिर इसका काउंटिंग करने में भी दिक्कत होगा। तो क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नेता को चुनती है। मतलब हम जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो फिर जो राज्य में रहते हैं ना उस राज्य में एक हम नेता को चुनेंगे, हम झारखंड वासियों में एक नेता को चुनेंगे, और फिर वो नेता सरकार को चुनेगी। तो इस प्रकार से जो भीड़ होता है ना, क्राउड होता है ना, वो कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से बताया गया प्रजातंत्र जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष पाया जाता है छोटे देशों में और अप्रत्यक्ष पाया जाता है थोड़ा बड़े देशों में। पहला देखते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या। कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से मैंने लिखा उसी प्रकार से आपको हूबहू लिखना है, ये कोई मैथ या तो फिर कोई चीज फॉर्मूला नहीं जो रट जाओगे। आपको बस याद रखना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है, और इसी के बारे में समझ जाना और वहाँ पे जाकर के आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, ठीक है। तो देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोले या चाहे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बोले, बार बार मैं एक ही बोल रहा हूँ। देखो, जब किसी राज्य के निवासी सार्वजनिक विषयों पर, सार्वजनिक मतलब सरकारी विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं विचार विमर्श करते हैं, मतलब स्वयं प्रत्यक्ष डायरेक्ट जाकर के वो अपने खुद का विचार विमर्श करती है, ठीक है, खुद से जाकर के क्या करती है, विचार विमर्श करती है, ठीक है, और इसके आधार पर नीतियों का निर्धारण और विधि निर्माण होता है। इसी इन्हीं लोगों के आधार पर नीति, कोई नियम कानून, कोई विधि का निर्माण होता है। तो ऐसे शासन को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है, जहाँ पे लोग खुद इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कम जनसंख्या वाले एवं छोटे आकार वाले राज्यों में ही संभव है, राज्य मतलब देश होता है, ठीक है। वर्तमान में बड़े आकार वाले राष्ट्रों में जहाँ नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। मैंने आपको अभी भी समझाई बात है, ठीक है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों एवं भारत में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभाओं में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था। देखो, स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष होता है प्रजातंत्र, क्योंकि स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो रहा है, ठीक है। और भारत में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा में आप लोग देखते होंगे, जब ग्राम सभा में बैठा होता है तो पूरा ग्रामीण लोग बैठता है और वहाँ पे वो लोग खुद से विचार विमर्श करती है, ठीक है। तो ये ग्रामीण सभा में अगर मैं बोलूँ तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होती है, वहाँ पे हम किसी और नेता को चुनते नहीं हैं और फिर वो नेता जाकर के ग्राम सभा में बातें नहीं करता, बल्कि हम लोग वहाँ पे गांव वासी ही खुद जाकर के क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो गया, लेकिन सरकार का जो चुनाव करते हैं वो प्रत्यक्ष हमारा नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं जरा सा अप्रत्यक्ष, ठीक है। देखो, अप्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष जब जनता का निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण तथा शासकों के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। मतलब क्या, जब जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, मतलब जनता किसी और
प्रतिनिधियों को बनाया, फिर उसके माध्यम से विधि निर्माण, कोई कानून निर्माण होता है, शासन के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते, जनता खुद नहीं करते, जनता का प्रतिनिधि, जनता ने जिसे चुना है, ठीक है, तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही प्रचलित है। अभी के समय में हमारे देश में क्या प्रचलित है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही प्रचलित है। इसमें जनता निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इसमें क्या करती है, 5 सालों के लिए अब सभी को पता है चुनाव होता है, ठीक है, तो जनता एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो व्यवस्थापिका का गठन करते हैं, जो हमारे नियम कानूनों को के लिए गठन करते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रणाली में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है, और जनता का इच्छा किसके द्वारा पूरा होता है, जो जनता जिसको चुना है उसके माध्यम से होती है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र के प्रकार, ये तो हो गया प्रकार, ठीक है। अब देखते हैं इसके विशेषता, कि आखिर इसकी विशेषता क्या है। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषता बहुत आसान है, बस हम आपको पढ़ के देंगे, सुन लेना, ठीक है। इनकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। पहला, समानता पर आधारित शासन। सभी को क्या होना चाहिए? समानता। तो प्रजातंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान नागरिकों व राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, यानी बिना कोई भेदभाव का सभी व्यक्तियों का समान नागरिक और समान अधिकार क्या है, प्राप्त है। प्रजातंत्र में निश्चित समय अवधि में चुनाव आवश्यक होते हैं, और हमेशा निश्चित टाइम पर क्या होता है, चुनाव कराया जाता है। इन चुनावों में प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना, एकक वोट देने का और चुनाव में प्रत्यक्ष बनकर भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है, और सभी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि खुद जाकर के वहाँ पर वोट दे सकते हैं। ये पहला इसकी विशेषता है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है, और सभी लोगों को एक समय अनुसार जब जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम वोट देने का अधिकार होता है। दूसरा, कानून का शासन। सभी व्यक्तियों का कानून का शासन समान होता है, ठीक है। प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था में जनता की इच्छाओं पर आधारित सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है। मतलब सरकार क्या करती है, जो कानून बनाती है, जो कार्य करती है, वो किसके अनुसार, पर जनता के अनुसार करती है, ठीक है। इसलिए इसे कानून का शासन भी कहा जाता है, ठीक है। कानून के शासन का आशय है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। मतलब इनका कहने का मतलब ये कि कानून सरकार किसके लिए बनाती है, जनता के लिए बनाती है, और कानून के समस्त जो रहते हैं वो सभी नागरिक समान रहते हैं। कोई भी अगर सरकार कानून बनाती है तो किसी एक या दो जनता के लिए नहीं बनाती है, वो सभी के लिए बनाती है, ठीक है, पूरे राज्यवासियों के लिए बनाती है, देशवासियों के लिए बनाती है। तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखो, एक लोकतंत्र का एक और पहचान है कि यहाँ पे जो भी देश लोकतंत्र होता है वहाँ पे स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष चुनाव होता है, अच्छा रूप से चुनाव होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा का मतलब हो गया कि कोई दो वोट नहीं डाल सकता है। प्रजातंत्र में चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना भी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी जीत हार के समान संभावना हो, ताकि जो सत्ता में बैठे हुए जो नेता बैठे हुए, ताकि उनको भी डर हो जीत और हार की। चुनाव के समय मतदाता पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, जो वोट देने जा रहा है उस पर कोई भी दबाव ना डाले कि आपको इसी पार्टी में डालना वोट, ठीक है। एवं चुनाव व्यवस्था पक्षपात रहित हो। पक्षपात रहित मतलब किसी एक पक्ष में चुनाव नहीं होना चाहिए, या तो चुनाव व्यवस्था एक किसी एक पक्ष में नहीं होना चाहिए कि इसी का पैसा खा गया है तो इसी के पक्ष में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा। प्रजातंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, यानी कि प्रजातंत्र में लोकतंत्र में जनता का ही इच्छा सबसे ज़्यादा सर्वोपरि, सबसे ज़्यादा विद्यमान माना जाता है, ठीक है। इस शासन व्यवस्था में सरकार के गठन के लिए समय समय पर चुनाव भी होते हैं, और समय समय पर चुनाव करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार बन जाता तो उसी का पूरा मतलब जिंदगी भर वही शासन करेगा, ऐसा नहीं होता है। लिखित संविधान का होना, देखो लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक ये है हमारा विशेषता कि इसमें लिखित संविधान होता है। इससे कोई भी नेता अगर चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाती है ना, तो अपने अनुसार से नियम कानून नहीं बना सकता है, जो हमारा संविधान में लिखा है उसी के अनुसार से चल सकता है, ठीक है। तो शासन संगठन के मूलभूत सिद्धांत तथा प्रक्रिया निश्चित होना प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें कोई भी सत्तारूढ़ दल यानी जो सत्ता प्राप्त कर लिया है उसने अपने बहुमत के आधार पर इसे जैसा चाहे वैसा परिभाषित या परिवर्तन ना कर सके। शासन के अंगों का गठन, शासन की शक्तियाँ एवं कार्य प्रक्रिया आदि संविधान में स्पष्ट हो, इसलिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है। देखो, लिखित संविधान का आवश्यक क्यों माना गया, ताकि जब कोई भी सत्ताधारी शासक अगर कोई जीत जाता है तो वो अपने अनुसार से कोई भी नियम कानून को नहीं बना सके, अपने अनुसार से कोई भी नियम कानून को परिभाषित ना कर सके। इसलिए लोकतंत्र में एक लिखा हुआ संविधान बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पांचवा, सभी के हितों की रक्षा। और लोकतंत्र में क्या होता है, सभी को हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाता है, यानी कि प्रजातंत्र सरकार जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिए होती है, आप सभी को पता है।
इसमें क्या होती है, सभी की उन्नति का ध्यान रखा जाता है, किसी वर्ग विशेष का नहीं। संसद में सभी वर्गों के व्यक्ति तो पहुंचते हैं, देखो संसद में किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों का मामला मैटर पहुंचता है, इसलिए सभी के हितों का ध्यान रखकर कानून बनाया जाता है। और सभी जब कानून बनता है ना तो सभी का बातों को रखा जाता है, किसी एक को नहीं रखा जाता, ठीक है। जो जनहित का ध्यान नहीं रखते हैं उन्हें जनता अगले निर्वाचन में पद से हटा देती है, और जो लोगों का बातों को ध्यान नहीं देता, लोगों के लिए कार्य नहीं करता है, वो जनता उसे अगले बार क्या कर देती है, हटा देती है। छठा, स्वतंत्रता की रक्षा। प्रजातंत्र नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, अन्य सरकारों जैसे राजतंत्र, तानाशाही आदि में जनता की स्वतंत्रता खतरे में रहती है। जो शासक, जो सरकार राजतंत्र होता है, जो अपना देखता है, तानाशाही होता है, उसमें जनता की स्वतंत्रता का खतरा बना रहता है, वहाँ पर लोग स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र सरकार जनमत के अनुसार चलती है, और प्रजातंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार जनता के अनुसार चलती है और चुनाव से बनती है, इसलिए वह निरंकुश नहीं बन पाएगी, इसलिए सरकार यहाँ पे तानाशाही नहीं बन पाएगी। लेकिन वहीं अगर जहाँ लोकतंत्र देश नहीं रहेगा वहाँ पे वो तानाशाही बन जाएगा, लेकिन जहाँ लोकतंत्र देश रहता है वहाँ पे तानाशाही नहीं बन पाएगा, क्योंकि डर रहता है कि अगले चुनाव में हम हार जाएंगे। साथ में सभी को विकास का समान अवसर, सभी व्यक्तियों को विकास का समान अवसर मिलता है। प्रजातंत्र सभी को अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने तथा विकास करने का अवसर प्रदान करता है। सभी को मतदान, निर्वाचन होने तथा पद ग्रहण करने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही मतलब शासन पर लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सभी को ग्रहण अधिकार है कि वो अपना सीट को ग्रहण कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतकर तथा मंत्री पद ग्रहण कर अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकता है, ठीक है। आठवां, क्रांति का भय नहीं रहता। जब लोकतंत्र रहता तो क्रांति हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि प्रजातंत्र क्रांति को समाप्त करता है, लोकतंत्र में हमेशा क्रांति कम होता है, नियम कानून के अनुसार से सब कुछ चलता है। अगर गलत करोगे तो जेल में जाओगे, अच्छा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता को शासन में भागीदारी होने का अवसर देता है, जनता को शासन में भागीदारी होने का अवसर मिलता है तथा चुनाव द्वारा सरकार को बदला जा सकता है अगर गलत कर रही है तो। यहाँ से हमारा खत्म हो गया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे कौन सा वीडियो लाना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूँ दोस्तों, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कमेंट को देख करके बस मैं अपना निर्णय जरूर लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।